दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और भारतीय संविधान के जो संशोधन हुए हैं उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर हमने लिया है। 90 के आसपास हम क्वेश्चन करने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को ही लेंगे। और एक बार आप सभी क्वेश्चन पर नजर घुमा लीजिए ताकि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई एग्जाम में दिखता है तो आप तुरंत उसको आंसर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जो भाग है वो तो हो जाएगा 20 और अनुक्रमांक यानी कि जो अनुच्छेद है वो हो जाएगा 368। आप अनुक्रमांक को अनुच्छेद भी पढ़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 368 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो तीन प्रकार से की जा सकती है। कौन कौन से प्रकार है उनको भी देख लेते हैं कि पहला प्रकार है संसद के साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि 50% से ज्यादा अगर बहुमत हो जाता है तो वो साधारण बहुमत होता है। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, मतलब 2/3 के द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधान मंडलों की संस्तुति के द्वारा भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन होता है किस धारा के अनुसार होता है, तो धारा 368 के अनुसार। यहाँ पर आप अनुच्छेद भी पढ़ सकते हैं, इसको एक ही बात है, अनुक्रमांक धारा अनुच्छेद सब। धारा 368 के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान है वहां से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो जो विधेयक है संविधान संशोधन हेतु वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, संसद में। और संसद का मतलब क्या होता है, वो राज्यसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है, लोकसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है, ठीक है, और राज्य विधानमंडल में भी प्रस्तुत हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, संसद इसका आंसर हो जाएगा। विधानमंडलों को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो राज्य विधानमंडलों में वही जो है प्रस्तुत करते हैं जो राज्य से संबंधित हो, अन्यथा केवल संसद में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब सबसे पहले लोकसभा या फिर राज्यसभा में भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन वही है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में और संसद के किसी एक सदन में। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में यहाँ पर पहल की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अधिकांश पूछा है, तो अधिकांश में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग, संविधान का जो अधिकांश भाग है वो संशोधित किया जा सकता है, क्या आंसर हो जाएगा, अकेले संसद के द्वारा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अकेले संसद के द्वारा, एक बार फिर से देख लेते हैं, अकेले संसद के द्वारा, एक सेकेंड, हाँ अकेले संसद के द्वारा भी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तो हाँ, हमने आपको बताया था कि विधानमंडल यदि राज्य के हितों से संबंधित कोई मामला है तो उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं किसके तहत, यहाँ पर देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा इसका, जनमत संग्रह से कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है। जनमत संग्रह से कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के साधन बहुमत से तो हो जाता है, संसद सदस्यों के 2/3 से भी विशेष बहुमत, जो विशेष जो संशोधन होते हैं वो हो जाते हैं, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से भी जो स्पेशल केस में होते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जनमत संग्रह से संविधान में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संविधान संशोधन किया गया था। तो सबसे पहले जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1950
1961 में किया गया था। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 76, 314, 342, 374 और 376 में संशोधन किए गए तथा दो नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख इसके तहत जोड़े गए थे। जो पहला संविधान संशोधन था उसके तहत ये संशोधन किए गए थे। नौवीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया था। नौवीं अनुसूची जिसे भूमि सुधार के नाम से भी जाना जाता है, 31 क में जमींदारी तथा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये जो था वो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन में था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो प्रथम जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था वो किससे संबंधित था? तो वो हो जाएगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। इसीलिए जो पहला संविधान संशोधन था उसके तहत नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका नाम क्या था? भूमि सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया है? जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो क्या हो जाएगा, 101वां जो संविधान संशोधन था वो क्या था दोस्तों? वो था जीएसटी। अगला क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? यहां ध्यान रखिएगा, भूतकालिक प्रभाव से मतलब पुराने प्रभावों से जो लागू हुआ था उसका आंसर क्या हो जाएगा? 10वां संविधान संशोधन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था उसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो मेघालय जो राज्य है उसकी स्थापना दोस्तों 22वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन किसमें हुआ था दोस्तों? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकारों में। देशी नरेशों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवी पर्स कब खत्म किया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत खत्म किया गया था, यह आपको आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 26वां संविधान संशोधन, और किसके समय में हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? 545 निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है 545 संख्या निर्धारित की गई है लोकसभा सीटों की। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो भी उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये था दोस्तों 11वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आवश्यक नहीं है। ये 11वां संविधान संशोधन के तहत ये लागू किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि नागालैंड राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना? सिक्किम राज्य, गोवा राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, पंजाब से अलग करके जो हरियाणा और चंडीगढ़ जो है बने, वो ये सारे क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि आप आंसर एग्जाम में टिक कर सके। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 13वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड राज्य को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 18वें संविधान संशोधन। 18वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों क्या किया गया है यहाँ पर? पंजाब से अलग करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा
किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? दोस्तों, ये सह राज्य सबसे पहला सह राज्य क्या है? सिक्किम था, जिसे किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? तो सह राज्य बनाया गया था दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान देने वाला है कि जो सह राज्य बनाया गया था वो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, और इसे पूर्ण राज्य जो है वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। एक बार इसे देख लेते हैं। सबसे पहले 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का विशेष दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कि 1975 में ये संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु, यानी कि जो स्टेट पीएससी होती है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 62 वर्ष कर दी गई थी। तो किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो ये हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन के तहत, इसमें आयु को 2 साल बढ़ा दिया गया था। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो दोस्तों, मिनी संविधान था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे जिनको हम एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से देखना शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ये जो शब्द है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? तो ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, के तहत जोड़े गए हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया है? राज्य सूची से संवर्ती सूची में शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन अधिनियम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में, या 51 का भी इसे कहा जा सकता है, में भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की भी गणना की गई है। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जुड़े गए थे? 42वें संशोधन द्वारा, और प्रारंभिक संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो मूल अधिकारों से अधिक महत्व किसे दिया गया है विशेष परिस्थितियों में? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं राज्य के, नीति निदेशक तत्व होते हैं, उन्हें दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, यानी कि जो मिनी संविधान जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? तो किसके अंतर्गत? फिर से वही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए? मतलब जो शब्द है 3-4, इन्हें किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा से मंत्रिपरिषद इसे वापस भेज देती है तो राष्ट्रपति को इसे स्वीकृत करना ही पड़ता है, इस पर अपने हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन था? मिनी संविधान, 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? दोस्तों, वही बात आ गई कि अगर मंत्रिपरिषद कोई जो है परामर्श देती है तो राष्ट्रपति उसे परामर्श को मानने हेतु बाध्य है, उसे वह परामर्श मानना ही पड़ेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 42वां संविधान संशोधन।
सब कुछ 42वें संविधान संशोधन में ही किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो ये भी क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में अंतर्स्थापित किया गया है? पहले वन जो है राज्य सूची के विषय थे, अब केंद्र और राज्य दोनों में ये शामिल हो गए हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, और जो नया अध्याय जोड़ा गया वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपको इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि मौलिक कर्तव्य जो 51 का में जोड़े गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है? तो ये भी क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, 44वां संविधान संशोधन। 42 नहीं होगा ये, 44वां संविधान संशोधन होगा। मतलब मूल अधिकार जो प्रारंभ में 7 थे उन्हें घटाकर कितना कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है। जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो यह अभी आपको बताया था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे हटाया गया। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो क्या हो जाएगा, 43वां और 44वां। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन के तहत क्षति हुई थी जो है न्यायपालिका को, जिसे वापिस से कब संशोधित किया गया, पुनर्स्थापित किया गया, 43वां और 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रपति एक बार उसे विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकता है, लेकिन दोबारा उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्स्थापित किया गया, मतलब कौन सा संविधान संशोधन था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों जो लोकसभा का कार्यकाल था 6 से घटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। यानी कि जो 42वें संविधान संशोधन में जो त्रुटियां रह गई थी उन्हें पूरा किसके सही किसके द्वारा किया गया, 44वें संशोधन के द्वारा किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया है? मतलब इन सबके जो मैंने नाम लिए हैं इनके निर्वाचन को कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ये बात कही गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 39वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? जो दल बदल निरोधक कानून है वो है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन क्या है, दल बदल। दल बदल जो जिसे भूमि सुधार 9वीं अनुसूची से था जोड़ा गया, ऐसे ही दल बदल 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? ये दल बदल वाली ही बात है। तो आंसर आपको अभी बताया था, आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अभी मैंने आपको बताया था कि 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल निरोधी कानून। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो मिजोरम को जो राज्य का दर्जा दिया गया है वो है दोस्तों 53वें संविधान संशोधन के द्वारा।
नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हो जाएगा 55वें संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो गोवा को 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु को 18 वर्ष किया गया। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वें संविधान संशोधन का जो है सॉरी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने नगर पालिकाओं से। देखो 74वां है नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसको एक बार फिर से कर लेते हैं सही करेक्शन। ये क्या हो जाएगा, नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्योंकि 11वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा पंचायती राज और नगरीय निकाय स्थानीय निकाय जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12वीं में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? दिल्ली को राजधानी किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 69वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? तो 3 भाषाएं किस संविधान संशोधन के तहत, तो जाएगा 71वां संविधान संशोधन के तहत। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71वें में 3 भाषाएं मणिपुरी नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें संशोधन का संबंध किससे हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था, जिसे मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों स्थानीय निकायों के लिए कौन सा हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 73वां व 74वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन के तहत। क्या हो जाएगा, 84वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया गया दोस्तों, मूल अधिकार बनाया गया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 है, इसने भारत के संविधान में अंतर स्थापित अनुच्छेद 21 का में राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान किया गया है वो कर्तव्य किसका है, ये राज्य का कर्तव्य है कि मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? दोस्तों एक बार 21वें संविधान संशोधन में सिंधी, लेकिन यहाँ पर मैथिली संथाली डोगरी और बोडो ये 4 जो भाषाएं हैं ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो ये हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन के तहत ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, इस प्रकार कुल भाषाएं 22 हो गई थी। 14 के बाद एक भाषा 15 प्लस 3 भाषा 18 और 4 22 भाषाएं हो गई थी। भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संविधान संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित कौन सा करेगा, 91वां संविधान संशोधन, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है केंद्रीय मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है, तो 15% तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो नया अनुच्छेद जोड़ा गया है वो है मूल कर्तव्य से, 51 का अनुच्छेद 51 क से संबंधित है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों 89वां संविधान संशोधन हुआ था, ये एक आयोग को स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 7वां और 31वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? दोस्तों ये हम आपको बता चुके हैं और इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? तो 52वां संविधान संशोधन क्या है? दल बदल विधेयक बिल्कुल सही है। 48वां संविधान संशोधन पंजाब आपात उपबंध से बिल्कुल सही है। 56वां संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा, ये भी हम देख चुके हैं। 62वां संशोधन दोस्तों पिछड़ी जाति से नहीं है, यहाँ पर है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सीटों में आरक्षण को लेकर कौन सा है दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर डी वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि? दोस्तों ये आप बता सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में क्या था, 42वां संविधान संशोधन जो था वो नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। मतलब नीति निर्देशक तत्व जो है, डीपीएसपी जो है, डायरेक्टर प्रिंसिपल है, वो मूल अधिकारों से भी ऊपर है, यानी कि उन्हें वरीयता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में नवी अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? ये दोस्तों आपको बता चुके हैं हम, एक बार फिर से बता देते हैं कि जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1951 के अंदर, उसके तहत पहली जो है नौवीं अनुसूची जो जोड़ी गई, 8 अनुसूचियां प्रारंभ में थी और नौवीं अनुसूची यानी कि भूमि सुधार जोड़ी गई। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या, तो अनुसूचित जातियों की कुल संख्या कितनी हो गई है वर्तमान में? 1410 जातियां हो गई है। भारत में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो जो दोस्तों संपत्ति का मूल अधिकार था, इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई? जो भाषाएं थी मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, उन जिनमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन ये संविधान संशोधन कौन सा था ये आपको बताना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन, यानी कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? यानी कि मंत्रिपरिषद को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को ये 15% तक सीमित करता है, तो कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हो जाएगा, देश वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बाध्य करेगा, मतलब उनको पढ़ाना राज्य का कर्तव्य होगा, ये उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं दोस्तों अपन। ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया है। दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 76वां नहीं 86वां संविधान संशोधन 2002 था, जो कि मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है। दूसरा है, यानी कि फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। बिल्कुल सही है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कंप्यूटर शिक्षा एक कंपलसरी शिक्षा हो गई है। तीसरा है, शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। बिल्कुल सही है, जो मिनी संविधान जिसे कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा इसे शिक्षा को समवर्ती यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 तो सही हो जाएंगे लेकिन पहला वाला गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, एक बार फिर से इसको जूम कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है। तो जीएसटी का प्रावधान जो है वो करता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, पंचायती राज किसमें हो जाएगी, 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, इसे किस संविधान संशोधन के तहत प्रतिबंधित किया गया, 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, संविधान संशोधन करने के विधेयकों को वीटो करने की शक्ति, मतलब उसे नकारने की शक्ति शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है। क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्वेश्चन का जो मूल रूप, मतलब जो शॉर्ट रूप जो आपको आसानी से समझ में आए, उसमें मैंने आपको बताया है। इसका आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। मैंने पहले भी इसे इंपोर्टेंट कहा है, मैं फिर से कहता हूं ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो देशी नरेशों के प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया है, तो 26वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्च 2017 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं। दोस्तों ये 2017 तक पूछा गया है, तो आप 103 करोगे, ठीक है, 101 वाला जीएसटी था और 103 संविधान संशोधन किए गए। आठवां जो और अंतिम क्वेश्चन जो यहाँ पर 88 वाला क्वेश्चन है, या 88 आप पढ़ेंगे, वर्तमान तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन किए गए हैं, और वर्तमान में कुल कितने संशोधन किए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 106वां। और 106वां संशोधन कौन सा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, जिसे कि महिला आरक्षण बिल भी कहा जाता है, और उससे उसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो ये 106वां जो संशोधन होगा, जो कंप्लीट रूप से जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद, ये 106वां संविधान संशोधन के तहत क्या बनेगा, महिला आरक्षण बिल बन जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।